दोस्तों, मूवीज़ हम सब लोग देखते हैं, फिल्में देखते हैं ना, तो जो बड़े पर्दे पे वो किरदार अदा करते हैं, वो एक्टर्स, वो एक्ट्रेसेस, वो कलाकार, वो जो किरदार डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं मूवीज़ में पर्दे पे, पर्दे के पीछे एक्चुअल ज़िंदगी टोटली डिफरेंट रहती है, होता है ना ऐसा? अब ऐसा ना रियल लाइफ में भी ऐसा आपको कोई ना कोई लोग ज़रूर मिलेंगे जो कि दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। दे लिव अ डूअल पर्सनैलिटी, दे वियर अ मास्क ऑन देयर फेस, एक नकाब डाल के रखा हुआ है। अच्छा, ऐसे जो कलाकार, तो पर्टिकुलर दिस टिपिकल एग्जाम्पल इज अ परफेक्ट बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस कह लें, ये कलाकार कोई भी किसी किस्म का, चाहे वो नाटक का किरदार अदा कर रहा है, वो स्टेज प्ले कर रहा है, वो बॉलीवुड का सितारा है, लेकिन जो एक्चुअल रियल लाइफ है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे डिपिक्ट ऑन द स्क्रीन, है ना? अच्छा, समय के साथ ना ये पक जाता है, ये एक प्रोफेशनल जो उनका कैरेक्टर है ये एक तरह से पक जाता है। वेयर एवर दे विल गो इन सोसाइटी, वो अपना रियल जो है फेस वो सामने रख ही नहीं सकते, वो दिखा ही नहीं सकते, बिकॉज ये प्रोफेशनल लाइफ जीते जीते ना ये एक तरह के ये डुअल पर्सनैलिटी ये कंफर्म हो जाती है, ये पक जाती है। दे लिव अ डुअल लाइफ, दे लिव अ डुअल पर्सनैलिटी, दे वियर अ मास्क ऑन देयर फेस। अच्छा, आप आसपास अगर नज़र घुमाए ना, तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई ना कोई सज्जन मित्र ज़रूर मिलेगा आपको जो कि इस तरह की ज़िंदगी जीता है। अंदर से कुछ और होता है लेकिन बाहर कुछ और शो करते हैं, ऐसे बहुत से लोग रहते हैं दोस्तों आम जिंदगी में, हमने देखा होगा, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सो मैनी ऑफ देम। अंदर से अगर उदासी भी है ना, दे आर अनहैप्पी फ्रॉम इनसाइड, दे आर सैड, अंदर एक ग्लूमी डिस्पेयर है, ग्रीफ है, अंदर उदासी है, एक दुख है, अंदर डिसकंटेंटमेंट कह लें, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन बाहर जब भी शो करेंगे दे विल शो ए हैप्पी फेस, जब भी बात करेंगे तो वो शो करेंगे नहीं वी आर वेरी हैप्पी, वी आर कंटेंटेड इन लाइफ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अंदर एक्चुअल पिक्चर इज समथिंग डिफरेंट, यानी कि अगेन अ मास्क्ड पर्सनैलिटी वी कॉल इट, अ डुअल पर्सनैलिटी। ऐसे अगर पेशेंट्स रहते हैं, ऐसी अगर पर्सनैलिटीज़ रहती हैं दोस्तों, होम्योपैथिक दवाएं हैं विच बियर रिजेंबलेंस टू सच पर्सनैलिटीज़, वो बिल्कुल फिट बैठती हैं ऐसे लोगों पे। नैट्रम म्यूरेटिकम इज़ वन ऑफ दैम, नैट म्यूर वी कॉल इट, नैट्रम म्यूर, दीज आर टिपिकल नैट्रम म्यूर पर्सनैलिटीज़। जितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, जितने कलाकार हैं, ये सब नैट म्यूर पेशेंट्स हैं। और ऐसा ना आपने देखा अगर बच्चों में भी, परिवार में छोटे बच्चे हैं ना, तो माता पिता परिवार वाले सब उन बच्चों को गाइड करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, सबके सामने इस तरह पेश आना है, आपने इसको डेवलप करना है, ये क्वालिटी अच्छी है, इसको अपनाओ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपन्स, द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स के हाँ कि मुझे ये चीज़ें अपनानी ज़रूरी हैं कि शायद सोसाइटी को ये एक्सेप्टेबल है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या रहेगा, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, वो अपना रियल जो है ना ट्रेट्स वो भूल जाएगा, वो मास्क्ड ही रह जाती हैं, वो हिडन रह जाती हैं, वो सामने रख ही नहीं पाता, और ये जो रोल है ना ये पक जाता है, ये मास्क नकाब पहना वो सीख जाता है, हम सब उन्हें खुद ये सिखा देते हैं। सो ये जो डुअल पर्सनैलिटीज़, अगर ये कंफर्म हो, ये पक गई हैं, ये लाइफ लॉन्ग उसने अपना ली हैं, ही इज़ शोइंग सम डिफरेंट फेस, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है, वहाँ नैटर म्यूर उसको मदद कर सकती है दोस्तों। अच्छा, ऐसे लोग जो रहते हैं ना वो कॉन्सोलेशन भी मांगते हैं, वो सिंपथी ढूंढते हैं, क्योंकि अंदर ग्रीफ भरा पड़ा है, सैडनेस, उदासी बहुत भरी पड़ी है, सप्रेस्ड है अंदर, और ये सालों से इकट्ठी होती जा रही हैं, इट हैज़ बिकम अ क्रॉनिक ग्रीफ इनसाइड। क्रॉनिक ग्रीफ याद रखें, नैट्रम यूर काम आएगी। अच्छा, अगर एक्यूट ग्रीफ रहता है, वी ऑल नो इग्नेशिया इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, लेकिन यहाँ अगेन क्योंकि सालों से पनपता जा रहा है, अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, ऐसे लोग ना वो लोगों को ढूंढेंगे, बिठाएंगे, अपनी दिल की बात कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डुअल पर्सनैलिटी पक गई है, वो अपने अंदर की फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, वो अंदर तक ही सीमित रहती हैं। ऐसे जो लोग रहते हैं दे आर टिपिकल नैट्रम म्यूर पेशेंट्स। और याद रखें, ऑल द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, जितने कलाकार हैं ना, ये तो हैं ही नैटम्यूर पेशेंट्स। नैटम्यूर कैन हेल्प देम, और अपनी लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जहाँ भी देखते हैं ना ऐसे लोग, वहाँ नैटम्यूर इनकी मदद कर सकती है ऐसे पेशेंट्स की, राइट?
और दोस्तों रोज़ पेशेंट्स देखते हैं ना क्लिनिक में, तो ऐसी पर्सनालिटीज़ हमें दिखती हैं। वी ऑफन कम अक्रॉस सच पर्सनालिटीज़ जहाँ केस टेकिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, उस पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स बाहर लाने बहुत डिफ़िकल्ट रहते हैं, लेकिन वी कैन ईजिली मेक आउट कि हाँ ये बंदा बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और शो कर रहा है। और ये मैं नहीं कहता दोस्तों, होम्योपैथिक साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स लिखी हैं फिलिप एम बेली, थॉरो रिसर्च के बाद ही हैज पब्लिश्ड हिज बुक्स, और 35 ऐसी यूनिक पर्सनालिटी ट्रेट्स ही हैज आइडेंटिफाइड, उसमें से एक ये नैटरमेयर पर्सनालिटी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। जुड़े रहे गुरु नानक केस के साथ दोस्तों, और ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होम्योपैथी के हिडन ट्रेजर में से आपके सामने आपके समक्ष रखता रहूँगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई डाउट, कोई सजेशन है, सुझाव जरूर मेंशन कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो, यू कैन मेल मी gunanakcares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।